हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको बेस्ट मजा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है वो फेसबुक पे एक ट्रेंडिंग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंडिंग पे चलना हम लोगों का आदत है। हाँ, और इसी ट्रेंडिंग एक नया जो लुक है, मतलब कि एक नया स्टिकर है जो आया है, जो कि है अवतार लुक। सभी अपना अपना प्रोफाइल पे अपना अपना अवतार लुक शेयर कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और अमेजिंग देखने में लग रहा है दोस्तों। क्या बोले, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में आपको अगर बनाना है ऐसे ही कुछ अवतार लुक अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। कोई भी स्टेप को आप स्किप मत कीजिए और देखिए पूरा स्टेप में, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह अपने फेसबुक पे ही आप अपना अवतार लुक क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से। और एक चीज आपको बता देता हूं कि ये आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क पे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जल्द से आप मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और आप लोग देख रहे हैं बेस्ट मजा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए फटक से खोलते हुए प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक लाइट या तो फिर वेब वर्जन में ये काम नहीं करता है, तो फेसबुक सर्च करके हम लोगों को फेसबुक को अपडेट करना है, या तो फिर अगर ये वाला ऐप्स आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। तो अभी फेसबुक का हम लोग ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लॉग इन भी कर लिया है, तो सीधे सीधे मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों सर्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर सर्च करेंगे, जो हम लोग लिखेंगे अवतार। जी हाँ दोस्तों, अवतार सर्च करने से हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं फेसबुक अवतार्स बोल के एक ऑप्शन आया है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा है ये न्यू वे टू बी यू ऑन फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, अभी इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोगों को अपना स्किन टोन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्किन टोन को आप देख सकते हैं, बहुत सारे तरह तरह का स्किन टोन है। तो आप जैसे आपके मर्जी के हिसाब से आप अगर कोई भी स्किन टोन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पर आ गया हेयर स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको हेयर स्टाइल सिलेक्ट करना है कि आपको कैसा लुक चाहिए, तो इसके लिए हेयर स्टाइल काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर हेयर स्टाइल का आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हेयर स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, तरह तरह का। आप अगर कोई भी, आप अगर लड़का हो या लड़की हो, कोई भी आप अगर हो, तो बहुत सारा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने हेयर स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपना हेयर स्टाइल को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक हेयर स्टाइल मिल जाता है, तो मैं ये वाला हेयर स्टाइल जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा हेयर कलर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से हेयर कलर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरह तरह के हेयर कलर भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि ब्राउन, वाइट, ब्लैक, बहुत तरह का आपको यहाँ पर हेयर कलर देखने को मिल जाएगा। तो आप आपके जो अवतार लुक है उसको आप कूल दिखाने के लिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है फेस शेप। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको फेस देखने में कैसा चाहिए, तो इसके लिए आपको फेस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर बहुत सारे जो फेस शेप है इसमें से कोई भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो हम दोस्तों सिलेक्ट कर लिए, अभी हमको देखने को मिल रहा है कॉम्प्लेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अपने मुखरे पे कोई दाग वगैरह, कोई भी ब्लैक मार्क अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं करना है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों।
तो अपने हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर लिए। अभी आता है लाइंस। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जब हमारा उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे लाइंस देखने को मिल जाते हैं अपने मुखरे पे, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर आप लाइंस भी लगा सकते हैं ताकि आपका लुक जो है वो कुछ अलग देखने को मिल जाए। तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आता है आई शेप। जी हाँ दोस्तों, ये लुक के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको लुक बहुत बदल दे सकता है। तो इसके लिए अपने हिसाब से आप आई शेप को कोई भी एक चूज कर लीजिए, उस हिसाब से आपका जो अवतार लुक है वो और भी अट्रैक्टिव देखने को लग जाएगा। तो इसी हिसाब से आप कोई भी एक आई शेप को आप अगर क्लिक करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों आते हैं कलर पर। अपनी आंखों की कलर जो है वो बहुत सारे आपके ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें से कोई भी आप अपने आंखों के जो कलर है उसके हिसाब से आप एक बार इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या तो फिर इसको भी आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेकअप। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मुखरे पे आप मेकअप कर सकते हो इसके ज़रिए, तो और भी आपको देखने को खूबसूरत एक लुक देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप इसमें आप मेकअप एक लुक दे सकते हो दोस्तों। तो ये अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप अगर आपका ज़रूरत है तो आप मेकअप कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉर्मल रख दीजिए कोई भी। तो ये आप अपने हिसाब से दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी दोस्तों इसको करने के बाद अभी आते हैं आईब्रोज। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका लुक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये अपने हिसाब से आप आईब्रोज को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे तरह तरह का आपको आईब्रोज देखने को मिल जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप लोग आईब्रोज को सिलेक्ट कर लीजिए। लड़के के लिए जो है, गर्ल्स के लिए जो है, ये ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए ये जो ऑप्शन है इसको दिया गया है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आता है इसके आईब्रोज के कलर। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे आईब्रोज के कलर देखने को मिल जाएंगे, तो फटाफट ये भी आप सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अभी आते हैं दोस्तों इसके बाद ऑप्शन जो है वो है आई वेयर। अगर आप चश्मा पहने हो या तो फिर अपनी जो अवतार लुक है उसको अगर कूल बनाना चाहते हो और भी, तो इसके लिए आप कोई भी एक मतलब कि आई वेयर यानी चश्मे को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपका जो लुक है उसको आप बदलना है तो यहाँ पर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो कुछ नया। दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है कलर। जी हाँ दोस्तों, अब ये आई वेयर यानी चश्मे का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप फटाफट सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा कलर रखना है अपनी चश्मे का। दोस्तों इसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नोज़। जी हाँ दोस्तों, ये भी अपने अवतार लुक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फटाफट अपने जो हिसाब से जो नोज़ है उसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अभी नोज़ तो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं माउथ। जी हाँ दोस्तों, अपनी लिप्स का जो डिज़ाइन है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माउथ के जो डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है, तो इसी हिसाब से आप अपना डिज़ाइन जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो स्टेप आता है वो है कलर। अपनी लिप्स के कलर जो है यानी लिपस्टिक अगर देते हैं, जो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, तो आप अगर लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर चूज़ आप कर सकते हो, जो अपने मर्जी है उसी हिसाब से आप अपने कलर को चूज़ कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है जो लड़कों के लिए है, जो कि है फेशियल हेयर। जी हाँ दोस्तों, आप अगर दाढ़ी अपना बनाना चाहते हो अपनी अवतार लुक पे, या तो फिर बियर्ड लुक चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आपकी मर्जी वैसे हिसाब से आप अपने अवतार लुक को यहाँ पर सजा सकते हो दोस्तों। दोस्तों हम अपने लुक पे दाढ़ी तो नहीं रखना चाहते, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम कोई भी एक दाढ़ी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है दाढ़ी का कलर। जी हाँ दोस्तों, फेशियल हेयर का जो कलर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर कोई भी एक जो कलर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर दाढ़ी के कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पास एक ऑप्शन आता है जो कि है बॉडी शेप।
जी हाँ दोस्तों, आप अगर मोटे हो या पतले हो या तो फिर अपने अवतार लुक को मोटा या पतला लुक देना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बॉडी शेप को सिलेक्ट करने के बाद अभी ऑप्शन आता है आउटफिट का। जी हाँ दोस्तों, अब अगर कोई भी कपड़े पहनना चाहते हो, यानी कपड़े तो पहले से पहना है अवतार लुक में, लेकिन इसको अगर और भी स्टाइलिश कोई भी कपड़ा देना चाहते हो इसके लुक में, जैसे कि पंजाबी टी शर्ट या तो फिर कुर्ता, कुछ भी अगर लुक देना चाहते हो या तो फिर कुछ भी आप अगर यहाँ पर आउटफिट आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर लड़की हो लड़का हो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे आउटफिट अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से आप अपना आउटफिट को जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अब इस अवतार लुक में आउटफिट फिट करने के बाद जो इसके बाद जो वाला ऑप्शन आता है वो है हेडवेयर। जी हाँ दोस्तों, अब अगर माथे पे कोई भी टूपी पगड़ी अगर कुछ भी पहनना चाहते हो तो इसके लिए भी ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको जो ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों वो है इसका कलर। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका कलर भी आप चेंज कर लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है एक्सेसरीज का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गर्ल्स को बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर आपको ईयररिंग्स, नोज रिंग जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा जो अपने एक्सेसरीज है वो अवतार लुक में आप यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप फटाफट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। अभी डन करने के बाद आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ लुक। उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद इसको अब अगर डन कर देते हैं तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक ऐसा एक अवतार लुक जो कि देखने को काफ़ी अच्छा और काफ़ी कूल है दोस्तों। अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आपको लगता है एडिट करना होगा तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए, फाइनली हम लोगों का जो अवतार लुक है वो तो कम्प्लीट हो चुका है। तो अब इसको शेयर करते हैं, तो शेयर करने के बाद हम लोगों को ऐसे दिखाता है लोडिंग और अवतार लुक। इसके बाद इसको कंप्लीट होने के बाद आपको तीन तरह का लुक देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे तीन लुक आपको देखने को मिलेगा, तो कोई भी आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपनी फेसबुक पे डायरेक्टली, या पर आप कोई भी फ्रेंड को टैग कर सकते हैं अपना नया अवतार लुक के लिए जो कि काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी कूल सा देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हम तुरंत इसको पोस्ट कर देते हैं अपनी प्रोफाइल यानी फेसबुक प्रोफाइल पे डायरेक्टली, और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे स्टिकर का ऑप्शन भी हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारा जो स्टिकर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, बढ़िया, नहीं नहीं, वाह, बकवास, बहुत सारे स्टिकर जो यहाँ पर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फेसबुक ऐप पे। जब अपने फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो तब आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसको आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ भी एक मतलब कि स्टिकर को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको आप उसके बाद शेयर कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम, ट्विटर, या तो फिर मतलब कि जहाँ पर भी आप चाहते हो, व्हाट्सएप में भी अगर चाहते तो वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि फेसबुक में अवतार लुक कैसे क्रिएट किया जाता है। तो काफ़ी अमेजिंग सा लगा नहीं आपको? बहुत ही अच्छा लगेगा, अपनी प्रोफाइल पे जरूर ट्राई करना मत भूलिए। और आपको या मतलब कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या तो फिर व्हाट्सएप में किसी भी जगह पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक जो मतलब कि नया जो ये ट्रिक्स आया है, जो नया अवतार लुक आया है, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अपने प्रोफाइल पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, फिलहाल ये था पूरा वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप पड़ते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम का आपको आंसर दे दूंगा कि ऐसे वो सॉल्व किया जाता है। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए दोस्तों।